नमस्कार, मैं रजनीकांत मिश्रा और आप सब देख रहे हैं एसके न्यूज का खास कार्यक्रम भैया जी पूछेंगे। मैं यूपी में चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद लगभग सियासत तय हो चुकी है। इस बीच टिकटों को लेकर सभी दलों में मंथन शुरू हो चुकी है। अगर हम यूपी में जाति समीकरण की बात करें तो वहीं ब्राह्मणों की जाति समीकरण 18% से 20% मानी जाती है। वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो 40 से 42% तक उनके टिकटों पर दावेदारी नजर आती है। अगर हम आपको आंकड़े गिनाएं तो जिस तरीके से 42 से 45% ओबीसी के वोटर हैं और 21% से लेकर सवर्ण तक की अनुमानित संख्या 18 से 20% है। इनमें से 16 से 18% बताई जाती है। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल ओबीसीओं पर ज्यादा सुरक्षित नजर आती है। जिस तरीके से यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी स्टार्ट हो चुकी है, वहीं पे 15 जनवरी तक रोकथाम लगाई गई है। किसी भी प्रकार की रैली, रोड शो, बाइक यात्रा, साइकिल यात्रा पर रोक लगा दी गई है। वहीं यूपी चुनाव की तारीखों की बात करें तो 10 फरवरी से पहली चरण की शुरुआत हो चुकी है, जो कि यूपी में 7 चरणों में यूपी विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को पहली चरण, 14 फरवरी को दूसरी चरण और 20 फरवरी को तीसरा चरण और चौथी चरण 23 फरवरी को और 27 फरवरी को चौथे से पांचवें चरण और छठवें चरण को 3 मार्च को रखा गया है। वहीं 10 मार्च को मतगणना भी की जाएगी, जो कि यूपी समेत 5 राज्यों की मतगणना की जाएगी, जिसमें देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी है।